नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर, और ये है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज के प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना ही हुआ है, लेकिन जल्द ही ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायक दल की बैठक की तारीख और समय तय हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 11 दिसंबर को नव निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को इसके बारे में आधिकारिक सूचना दे दिया गया है। विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता पर्यवेक्षक करेंगे, जो 3 पर्यवेक्षक एमपी के लिए चुने गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर विचार किया जाएगा। तो बीजेपी को वोट देने पर मारपीट का शिकार हुई सीहोर की मुस्लिम महिला आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली और अपनी परेशानी को बताया मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने समीना बी को मुख्यमंत्री आवास बुलाया, सीएम ने हालचाल जाना, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए आश्वासना भी दी है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी को वोट करने पर परिवार के सदस्यों ने समीना बी से प्रताड़ना की, मारपीट की। बीजेपी को वोट देने पर लाडली बहना से समीना बी ने मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता ने सीएम से शिकायत की। सीएम शिवराज की मुलाकात के बाद समीना बी ने कहा कि जो अत्याचार हुआ है उससे उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और सम्मान देने का आश्वासन दिया है। मैंने भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया हैं, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। एक और बड़ी खबर जिसकी आंच अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। करोड़ों रुपए मिले हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। गिनते गिनते कैश मशीन खराब हो गई, लेकिन यह मामला अब एमपी तक जा पहुंचा है। हुआ क्या कि अब जो पूरा मामला था, इस पर वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्या ये जो पैसे मिले हैं झारखंड में, इसका कनेक्शन एमपी से है क्या, जिस पर पलटवार किया कांग्रेस ने। और भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के नेता के घर में जो पैसे मिले थे उस पर क्या कहेंगे बीजेपी वाले। तो कुल मिलाकर धीरज साहू राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के 3 बार के सांसद रह चुके हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की रकम छापे के बाद उनके घर में और उनके करीबियों के घर पर मिली है। इसके बाद जो उसकी पूरा मामला था, उसकी जो आंच है, वो अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। यहां पर इस पूरे मुद्दे पर वार पलटवार हो रहा है। व्यापारियों के यहां से पैसा पकड़ा जाता है, व्यापारी अपने हिसाब से उसका जस्टिफिकेशन करेगा, और ये पैसा जो है, अगर वो इस तरह से पैसा एक राज्य का दूसरे राज्य में नियोजित है, ऐसा वो समझते हैं, मैं हो सकता है उनकी पार्टी में ऐसा होता रहा हो, तो उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में जो बिस्तर पकड़ा गया था नोटों का, जिस पे विधायक का लड़का सोता था, वो पैसा कहाँ का, मध्य प्रदेश का था क्या? विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही बहुमत मिल गया है, लेकिन पार्टी ने अभी सीएम घोषित नहीं किया है। लेकिन इस बीच महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री महाकौशल इलाके से बनाने की मांग की है। सभी सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक करने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा है। इसमें महाकौशल से प्रहलाद पटेल या राकेश सिंह को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, इस पत्र में महाकौशल को नई सरकार में की जो कैबिनेट बनेगी उसमें पर्याप्त मंत्री पद देने की भी मांग की गई है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का कहना है कि विकास के नक्शे पर पिछड़े महाकौशल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यहां से मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री और पर्याप्त संख्या में मंत्री बनाना जरूरी है।
हमने ये मांग करी है कि हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। हम ये चाहते हैं कि जैसा आपने बोला कि दो बड़े नेता यहाँ से गए हैं तो हमको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री यहाँ से मिले। इसके साथ साथ महाकौशल से और भी हमारी लोग गए हुए हैं तो इस क्षेत्र को मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी इस पर मांग। ग्वालियर के जिला सत्र न्यायालय से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े ट्रस्ट को एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने कहा है कि माधवी राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चित्रांगदा सिंह ने बिना अधिकार के जमीन बेच दी है, जबकि यह जमीन यशवंत राव राणे के मालिकाना हक की थी, इसीलिए जमीन पर कोई निर्माण और उसका विक्रय नहीं किया जाएगा। सिंधिया ने जमीन की रजिस्ट्री की थी, रजिस्ट्री भी शून्य मानी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि जमीन चेतकपुरी गेट पर स्थित बंधन गार्डन के पास की है। यशवंत राव राणे ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी और नोटिस के बाद सिंधिया परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय फैसला दिया गया है। हाल ही में अभी एक न्यायालय से एक आदेश हुआ जिसमें 1211 सर्वे नंबर है, वह माना है कि किसी निजी व्यक्ति का सर्वे नंबर है और उस पर निर्माण पर रोक लगा दी है और जो रजिस्ट्री हुई थी उसकी नंबर की रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। ये जमीन सिंधिया के परिवार जनों द्वारा और उनके ट्रस्ट द्वारा ये जमीन बेची गई थी, जो आवैधानिक है, उनको अधिकार ही नहीं था जमीन बेचने का, क्योंकि जमीन सरकारी है, गवर्नमेंट जमीन है। और अब बात एक्शन की। ग्वालियर के भीतरवार में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करना 8 संविदा शिक्षकों को अब भारी पड़ रहा है। पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। दरअसल RTI एक्टिविस्ट गौरीशंकर राजपूत ने 8 संविदा टीचर्स की शिकायत करते हुए दस्तावेज सौंपे हैं। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच को सही पाया है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे 8 शिक्षकों पर अब कार्रवाई की है, नौकरी उनकी चली गई है। इस मामले में 8 शिक्षक कृष्णपाल, धर्मेंद्र यादव, भगवत शरण शर्मा, सतीश रजक, फूलवती रजक, अरविंद सिंह जाट, ब्रजेंद्र सिंह रावत और अनिल पाठक के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला 2007-08 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। सभी जनपद पंचायत भीतरवार क्षेत्र में पदस्थ थे। जिसमें मेरे द्वारा 8 लोगों के संबंध में शिकायत की गई थी फर्जी अंक सूचियों के आधार पर जनपद पंचायत दरबार के अंदर। ये नियुक्ति DED और BED के संबंध में जो फर्जी अंक सूचियाँ पता नहीं कहाँ से किधर से क्या प्राप्त करके इन लोगों के द्वारा नियुक्ति के समय प्रदान की गई थी। मैं संविदा शिक्षक जो भर्ती हुए थे उनके द्वारा फर्जी अपने दस्तावेज लगाकर संविदा शिक्षक के पद पर भर्ती हुए हैं, तो उस उक्त आवेदन पत्र की जाँच थाना भीतरवार पुलिस द्वारा की गई है और दस्तावेज फर्जी होना पाए गए उस पर से धारा 420 और 468 का अपराध, 8 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उज्जैन में एक प्रिंसिपल ने बैट से छात्र की जमकर पिटाई की और विदाई का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल जो वीडियो है ये 8 महीना पुराना बताया जा रहा है। महितपुर के खेड़ा खजूरिया संकुल केंद्र की घटना है और मामले में अब शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये खबर उज्जैन की, जहां पर एक प्रिंसिपल ने बैट से छात्र की पिटाई की है, बेरहमी से उसे पीटा गया। ये वीडियो 8 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो जब शिक्षा विभाग तक पहुंचा तब उसने जांच के आदेश अब दे दिए। इधर इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इंदौर और उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग की है, जिस पर रेल मंत्री ने सहमति जताई है। मांग पर सहमति के बाद सांसद शंकर लालवानी ने PM मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात के बाद इंदौर उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन मिलना इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें दोनों शहरों के बीच आने जाने वाले कर्मचारी, छात्रों और आम नागरिकों को सहूलियत होगी। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को ध्यान में रखकर ये ट्रेन यातायात के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। आपको ये भी बता दें कि वंदे मेट्रो ट्रेन 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच चलाने की योजना है। ये ट्रेन एक रूट पर दिन में 4 से 5 बार चलेगी।
उज्जैन में 2008 में जो सीएस होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए यातायात का दबाव होने वाला है, उसके लिए मेट्रो वंदे भारत ट्रेन इंदौर से उज्जैन शटल के रूप में चलेगी और ये ट्रेन आने वाले सीएस में जो यातायात का दबाव है वो कम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेट्रो वंदे भारत इंदौर उज्जैन को मिलने। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मौत के बाद ग्रामीण के शव को ठिकाने लगाने के मामले में अब पुलिस ने डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एक झोला छाप डॉक्टर था, इसने ग्रामीण को इंजेक्शन लगाया जिसके बाद ग्रामीण की तबीयत बिगड़ गई और जब उसकी मौत हो गई तो अपनी गलती छिपाने के लिए झोला छाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण के शव को बरगी शहर के एक नाले में फेंक दिया और पुलिस ने 4 दिसंबर को बरगी डैम से उस ग्रामीण का शव बरामद किया था और अब इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई जिसमें धारा 304, 201, 34 IPC शामिल है। दीपक श्रीवास्तव के साथ उनके भाई देवेंद्र श्रीवास्तव और उनके 2 कंपाउंडर कपिल मालवीय और प्रदीप डेहरिया, इनका नाम भी सामने आया है। सभी आरोपियों को थाना वाड़ा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और शीघ्र ही चालान भी पेश किया जाएगा। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बिजली घोटाला सामने आया है। यहां बच्चों की फीस से बिजली भरी जा रही थी। DAVV ने इंस्टीट्यूट डायरेक्टर से अब जवाब मांगा है, साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी अब DAVV प्रबंधन को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने जा रही है। तो इधर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है। चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोपी फारूख राइन ने हमला कर दिया था। कलेक्टर ने अब कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आरोपी ने 2 दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काट दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने आज हाफ मैराथन रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया और मैराथन का उद्देश्य SBI के कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। रन फॉर हेल्थ में भोपाल शहर की SBI ब्रांच के स्टाफ और सैकड़ों ग्राहक शामिल हुए हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने एक मैराथन का आयोजन किया, 5, 10 और 21 किलोमीटर की श्रेणी में यह आयोजन किया गया है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच बेहतर संबंध और संपर्क स्थापित हो सके, स्वस्थ जीवन शैली बनाई जा सके, इसके लिए कोशिश और कवायद के तौर पर इस पूरे आयोजन को देखा जा रहा है। छतरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम की मेल ID से यह धमकी दी गई है। 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। बमीठा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अब गिरफ्तारी हो गई है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अपडेट बताएं पूरे मामले में। जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, इनकी जो आधिकारिक ईमेल आईडी है उस पर एक ईमेल किया गया था 20 अक्टूबर के एक रात पहले, यानी 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात की घटना है। और इसमें बोला गया था कि मैं जो बंदा है वो मैं करके बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और आपको जान से मार देगा अगर 10 लाख रुपए आपने उसे नहीं दिए, और 1 दिन की मोहलत उसने इसमें दी थी। इसके बाद अगले ही दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक आवेदन संबंधित थाना जो बमीठा थाना पड़ता है वहां दिया गया, इसमें FIR दर्ज हुई और इसके बाद टीम इस पे लगी। और एक बड़ी बात यह कि इस मामले में इंटरपोल की सहायता भी ली गई है, रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ की भी सहायता ली गई है और इतिहास में पहली बार बता रहे हैं छतरपुर क्षेत्र में कि छतरपुर पुलिस ने इतने बड़े लेवल पे जाकर इसको शॉर्ट किया है और स्विट्जरलैंड की एजेंसियों से भी संपर्क साधा गया। उसके बाद पता चला कि नालंदा बिहार का जो एरिया है, शंकर डी जिला पड़ता है नालंदा में, नालंदा जिले में, और वहां कंकड़बाग पटना
में एक व्यक्ति की पहचान हुई और उसके बाद उसे काफी लंबी ट्रेसिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अभिषेक, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि इंटरपोल की भी मदद ली गई और स्विट्जरलैंड के कई सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली गई, रॉ की भी मदद इस पूरे मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए ली गई है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, स्कूली छात्रों में जमकर पिटाई हुई है। एक छात्र की जमकर पिटाई की गई है, मारपीट का वीडियो सामने आया है। बाणगंगा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूली छात्रों में जमकर मारपीट हुई है, ये वीडियो सामने आया है। एक छात्र की जमकर पिटाई की गई है, ये वीडियो आपके सामने है। इंदौर में स्कूली छात्रों में जिस तरह से मारपीट की गई है, इसका वीडियो अब सामने आ चुका है। बाणगंगा पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए इंदौर शहर में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत चौराहों को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। खजराना चौराहे पर इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। यहां पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है। करीब 45 मीटर के लोहे के गर्डर का इस्तेमाल करने के चलते बीच से एक पिलर कम किया जा रहा है, ताकि बिना किसी सिग्नल के ट्रैफिक का संचालन किया जा सके। अगले 2 महीने में ओवरब्रिज पर काम पूरा कर ट्रैफिक के संचालन की बात सामने आ रही है। ग्वालियर जिला कोर्ट परिसर के पीछे महिला का अजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तलाशी के दौरान पुलिस को मौका वारदात से देशी शराब के 4 बोतल भी मिले हैं और महिला के कपड़े भी शव के पास पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका जताई है और इसके बाद महिला की हत्या की गई थी, ऐसा पुलिस को शक है। जिसके बाद फॉरेंसिक विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये आज अर्ली मॉर्निंग का मैटर है। एक अभी डायल 100 पे सूचना मिली थी कि डेड बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसके पीछे पड़ी हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 30 से 35 साल की महिला है जो सुपरफिशियल बर्न के साथ में यहाँ पर उनकी बॉडी मिली है, नग्न अवस्था में मिली है। तो अभी प्रथम दृष्टया रेप एंड मर्डर का हमें पूरा प्रकरण लग रहा है। तो अगली खबर जबलपुर से, जहां पर दूसरी शादी करने अमेरिका से जबलपुर आए एक NRI को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। पहली पत्नी की शिकायत पर जबलपुर पुलिस ने अमन श्रीवास्तव नाम के NRI को हिरासत में ले लिया है। पेशे से इंजीनियर अमन श्रीवास्तव ने 49 साल की उम्र में अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी की तैयारी कर ली थी और आज वो जबलपुर की एक युवती से शादी करने जा रहा था, लेकिन इसकी भनक उसकी पहली पत्नी को लग गई। वो थाने पहुंच गई, शिकायत कर दी मामले की और अब पुलिस में जब शिकायत हो गई तो जो अमन श्रीवास्तव जिसने शादी करने की तैयारी कर रखी थी दूसरी, उसे अब हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2005 में दोनों की शादी हुई थी जबलपुर में ही, उनसे 2 बच्चे भी हैं उनके, लेकिन कोविड के दौरान आरोपी अमन श्रीवास्तव ने अपनी पहली पत्नी को मायके छोड़ दिया और वापस वो अमेरिका चला गया। अपने 2 बच्चों को मिलने भी नहीं दे रहा था उनसे और अब वो दूसरी शादी करने के फिराक में था, लेकिन पहली पत्नी को जैसे ही इसकी भनक लगी थाने में शिकायत कर दी गई और अब जो आरोपी था उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति उसको दहेज के लिए परेशान करने लगा, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और पता चला है कि उसका पति दूसरी जगह शादी कर रहा है, जो प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इंदौर में एक महिला की उसी के घर में हत्या कर दी गई। किसने हत्या की? उसके प्रेमी ने हत्या की, बेरहमी से कैंची मारकर एक महिला की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घर से जब बदबू आई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो महिला थी जिसकी हत्या हो गई, वो अपने प्रेमी के साथ ही वहां पर रह रही थी और अब जो आरोपी है उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गले में कैंची से हमला करके हत्या करी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर तस्दीक करने के बाद में यह ज्ञात हुआ है कि वहां पर वो एक व्यक्ति के साथ में कुछ दिनों पहले ही किराए पर रहने आई थी और उनके झगड़े किसी बात को लेकर हुए थे, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया है। जो लड़का उसके साथ में रहता था उसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है क्लियर, उसकी तलाश जारी है।
श्योपुर में कलेक्टर पर सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। टिप्पणी से नाराज सिख समाज ने कलेक्टर के खिलाफ किसानों के साथ कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। समाज के लोग कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं। सिख समाज का आरोप है कि कलेक्टर संजय कुमार ने उनके खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग बाहर से आए लोग हैं जो गरीब लोगों का शोषण कर उनकी जमीनों पर जमे बैठे हैं, इन्हें जल्द बाहर भेज दिया जाना चाहिए। ये आरोप सिख समाज के लोगों ने कलेक्टर पर लगाए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।